रावलपिंडी और कैदी नंबर 804 में मुजाकरात मुशाहिद हुसैन के बयान ने खलबली मचा दी। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगु करते हुए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम ने बहादुरी के साथ दिल खोल कर वोट दिए। अवाम ने वोट देकर बता दिया कि वो तब्दीली चाहते हैं, लेकिन हम एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को इम्पोज करना चाह रहे हैं जो अलामत होगी तसादुम की, तकसीम की, तजाद की। मुशाहिद हुसैन ने मजीद कहा कि इमरान खान ने बहुत सारी हिमाकतें की हैं। उन्होंने तो असेंबली में खड़े होकर कहा था कि इदारे से लड़ाई पाकिस्तान में कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो या जुडिशरी के साथ हो। आधा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के हाथ में था, लेकिन उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी। अब इमरान खान को बहुत ज्यादा अवामी सपोर्ट हासिल है, अब उन्होंने सबक भी सीख लिया है, वो डील लेने के लिए भी तैयार होंगे, इसलिए इमरान खान के साथ डील करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को डील की जरूरत है। मुशाहिद हुसैन ने मजीद कहा कि इस डील में एस्टेब्लिशमेंट को भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क का हिस्सा है। 8 फरवरी से पहले जो कुछ किया गया सब फेल हो गया। 8 फरवरी को अवाम ने सिस्टम को हरा दिया, ये बात मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि सियासी जमातों से ज्यादा मसला इस वक्त अडियाला और रावलपिंडी का है। कैदी नंबर 804 और रावलपिंडी की बात होनी चाहिए और कोई रिलीफ दिया जाना चाहिए। अगर हम पीटीआई से बात कर सकते हैं, इन्हें माफ कर सकते हैं, तो इमरान खान से भी बात होनी चाहिए और इनको भी रिहाई मिलनी चाहिए। पीटीआई को इनकी सीटें दी जाएं और केपीके में भी इन्हें आराम से हुकूमत करने दी जाए।